हाय एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सवाल संडे। मैंने लास्ट वीक बोला था कि इनकम टैक्स के आप पांचों हेड में से क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, तो चलिए मैंने वहां से कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं, लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम आरके। हाय सर। हाय आरके। कैपिटल गेन में सेक्शन 45(4) एंड सेक्शन 46 में क्या डिफरेंस है? समझ नहीं आया, एज दोनों ही केसेस में कंपनी लिक्विडेट हो रही है। अच्छा, कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही है, 46 में हो रही है कंपनी लिक्विडेट, 45(4) में नहीं हो रही है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बैकग्राउंड क्या था। 45(4) होता है कैपिटल गेन का सेक्शन, ऑब्वियसली 45(4) है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म एओपी या बीओआई जब डिसॉल्व होती है या फिर अपने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, अदरवाइज भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो डिसॉल्व हो रही है, तो 45(4) इज़ नॉट फॉर कंपनी आरके। ठीक है, आरके ने क्वेश्चन पूछा है ये, तो 45(4) कंपनी के लिए नहीं है, वहाँ पर पार्टनरशिप फर्म या एओपी या बीओआई के लिए वो क्वेश्चन है जब वो अपने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट टू कैपिटल असेट्स। और 46 है कंपनी के लिए, 46 तो स्पेसिफिकली कंपनी लिक्विडेट हो रही है। दूसरा डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस हो गया 46 में कंपनी हो रही है, 45(4) में कंपनी नहीं है। दूसरा डिफरेंस है कि 45(4) में जब पार्टनरशिप फर्म या एओपी बीओआई अपने कैपिटल असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कैपिटल गेन लगता है पार्टनरशिप फर्म एओपी या बीओआई के हैंड्स में, बट 46 में जब कंपनी लिक्विडेट होती है और वो अपने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को, तो वहां पर कैपिटल गेन शेयर होल्डर्स के हाथों में लगता है। ठीक है, दोनों डिफरेंसेस समझ में आ गए। ओके, नेक्स्ट कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम कुणाल। हेलो सर। हेलो कुणाल। इन सैलरी रिगार्डिंग मोटर कार फैसिलिटी। ओके, सैलरी का क्वेश्चन है, परक्यूजेट मोटर कार। In salary regarding motor car facility, partly personal and partly official, if employee is bearing the car expense, ठीक है, partly personal, partly official, और employee bear कर रहा है गाड़ी के expense। हमें पता है जब partly use होता है, गाड़ी employer की है but employee use करता है, तो there is a fixed perquisite 600 या 900 per month का expenses employee bear कर रहा है, and paying the driver while it is taxable। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि अगर एम्प्लॉई एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है तो हम टैक्सेबल क्यों कर रहे हैं? कुणाल, यहाँ पर एम्प्लॉई एक्सपेंसेस तो बेयर कर रहा है बट उसको कार भी तो मिली है ना, कार की फैसिलिटी, कार एज सच वो फैसिलिटी तो आपको है ना, चाहे भले ही आप उसके रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस या ड्राइवर सैलरी को बॉर्न कर रहा है एम्प्लॉई, बट उसको कार तो मिली ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक कार मिल जाए, लेट्स से आपको एक होंडा सिटी मिल जाए, बट उसका सिर्फ ये बोला जाए कि आप किसके में पेट्रोल वगैरह एक्सपेंसेस बेयर कीजिएगा, तो आप कहेंगे थैंक यू सर, मुझे 10 लाख रुपीज़ की होंडा सिटी मिल गई है, तो क्योंकि आपको कार मिली है इसलिए वो टैक्सेबल है। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि सर वो 900 पर मंथ होता है जो ड्राइवर की सैलरी में ऐड करते हैं, एज ड्राइवर सैलरी इज द एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉई। ओके, कुणाल शायद मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सर वो ड्राइवर को ना पैसे सारा का सारा एम्प्लॉई देता है, तो फिर हम वो जो एक्स्ट्रा आप ऐड कराते हैं, जो लॉ में ऐड करा हुआ है प्लस 900 करके, वो क्यों किया हुआ है ड्राइवर का? अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर पूरा का पूरा पैसा ड्राइवर की सैलरी, एंटायर ड्राइवर की सैलरी अगर इम्प्लॉय पे कर रहा है तो आप 900 को इग्नोर कर सकते हो। वो हम ये कहते हैं कि अगर इम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी भी प्रोवाइड करी प्लस ड्राइवर भी प्रोवाइड करा, बट अगर ड्राइवर की सैलरी पूरी की पूरी इम्प्लॉय पे कर रहा है, सारी के सारे ड्राइवर की सैलरी, एवरीथिंग और ड्राइवर सैलरी अगर इम्प्लॉय पे कर रहा है, तो आप विदाउट ड्राइवर लीजिए कि जैसे कि इम्प्लॉयर ने विदाउट ड्राइवर प्रोवाइड किया है, क्योंकि ड्राइवर के पैसे तो हम ही पे कर रहे हैं, तो उस केस में आप सिर्फ गाड़ी की वैल्यू लीजिएगा, 900 पर मंथ ऐड मत कीजिए। ठीक है, शायद यही क्वेश्चन था कुणाल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सौरभ। हेलो सर। हेलो सौरभ। देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म, ओके, एंड अ पार्टनर वर्क्स एट सम अदर प्लेस also as a part-time job, then his income from part-time job is taxable under which head salary। तो ये simple question था। अगर एक partner है, देखिए अगर partner है उसकी partnership firm है, तो partnership से जो income आती होगी वो तो partnership firm की income हो गई, वहाँ से उसको जो remuneration मिलती है वो partner की salary है, but अगर वो किसी और जगह पर काम करता है as a part-time job, तो job कर रहा है तो it's a salary, चाहे वो भले ही full time हो और it is a part time, it will not make any difference, it would be salary, क्योंकि वो पार्ट टाइम जहां पर जॉब कर रहा है वहां पर उसका एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम प्रदीप। व्हाट विल बी परक्यूजेट वैल्यू इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड
इलेक्ट्रिक कार टू एम्प्लॉय. ओके, प्रदीप ने क्वेश्चन पूछा रिसेंटली, न्यूज से क्वेश्चन पूछा है क्योंकि सर अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, तो क्या परक्यूजिट होगा अगर कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार प्रोवाइड की है? मुझे नहीं पता. ठीक है, अभी इनकम टैक्स के रूल्स इस चीज़ पर आए नहीं हैं, तो अभी हम इसको नॉर्मल कार ही मानेंगे. जब अभी तक तो एम्प्लॉयर ने, पता नहीं कौन से एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की होगी अभी तक इलेक्ट्रिक कार, बट स्टिल इट्स अ गुड क्वेश्चन. सो प्रदीप, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट अर्ली एज ऑफ नाउ, तो अभी इनकम टैक्स ने कुछ बताया नहीं है इसके बारे में, इलेक्ट्रिक कार के बारे में. सो एज ऑफ नाउ वील टेक इट एज अ नॉर्मल कार. ठीक है, ओके, अदरवाइज अ गुड क्वेश्चन. पार्थ, हेलो सर. हेलो पार्थ. Deemed dividend under section 222E is fully exempt in the hands of shareholder for previous year 1920. हाँ जी, बिल्कुल सही. इसमें एक अमेंडमेंट आई थी, बल्कि लास्ट ईयर अमेंडमेंट थी, फाइनेंस एक्ट 2018 में अमेंडमेंट थी. वो ये कहता था कि जनरली हम लोग सब जानते हैं कि डोमेस्टिक कंपनीज जब कभी भी डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो CDT लगता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, एट रेट ऑफ 15% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस. बट लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2018 में चेंजेस आए 222E में. अब पहले क्या होता था, 222E वाला डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल होता था, बट नाउ इसके ऊपर भी CDT के प्रोविजंस की लगेंगे, बट CDT का रेट 15% ना होके 30% हो जाता है. तो CDT पूरा का पूरा टैक्स इस पर कंपनी से ले रही है गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉइज के हाथों में ये पूरा एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034. 1034 तो सबको याद होना चाहिए, एग्जम्प्ट इनकम का सेक्शन है फ्रॉम डिविडेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम कुणाल. सो मिस्टर एक्स इज वर्किंग विद जेड लिमिटेड, ओके, एंड RFA इज प्रोवाइडेड, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, परचेज इट है, व्हिच इज हायर्ड एट अ रेट ऑफ 2500 पर मंथ अलोंग विद फर्नीचर. सो डज द रेंट इंक्लूड द रेंट ऑफ फर्नीचर ऑल्सो? ओके, तो यहां पर ना ये क्लियर नहीं करा कुणाल आपने कि ओके, शायद क्वेश्चन ही ऐसा है कि सर क्वेश्चन में ना कुणाल शायद ये पूछना चाह रहा है कि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि वहां पर एग्जैक्टली ये दिया गया है कि हाउसेज हायर्ड एट 2500 पर मंथ अलोंग विद फर्नीचर, और फर्नीचर का रेंट एम्प्लॉयर दे रहा है या नहीं दे रहा है, अगर वो मेंशन नहीं है तो हम क्या लेंगे? कुणाल, इस केस में आप अपनी अजम्पशन लिखेंगे. ठीक है, आपको जो लगता है जिस तरीके से, जैसे कि अगर कभी भी एम्प्लॉयर को एक घर देना है एम्प्लॉय को और उसको वो हायर करना है, एम्प्लॉयर कहीं से किराए पर लेगा और एम्प्लॉय को देगा, तो जनरली देखो प्रैक्टिकली हम क्या सोचते हैं कि जब कभी भी एम्प्लॉयर कोई घर लेगा तो उसके अंदर का फर्नीचर रखा भी किराए पर ही लेगा, मतलब प्रैक्टिकली तो यही होता है. तो अगर क्वेश्चन ने ये क्लियर नहीं किया है कि फर्नीचर हायर्ड है या नहीं है, तो प्लीज़ यू टेक योर अजम्पशन. आप यहाँ पर अपनी अजम्पशन लीजिए हायर्ड की या ओन्ड बाय एम्प्लॉयर की, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप हायर्ड की ही लीजिए कि फर्नीचर भी हायर्ड किया गया है और वो 2500 पर मंथ में का ही पार्ट है, तो यस उसमें इंक्लूड रहेगा. दिस इज एन अजम्पशन व्हिच यू हैव टू गिव इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम रोहन. हाय रोहन सर, अगर सेक्शन 54 ऑफ कैपिटल गेन में, ओके, 54 एग्जम्पशन का होता है कैपिटल गेन में, जब एक इंडिविजुअल और HUF एक रेजिडेंशियल हाउस अपना बेचते हैं और रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं, ठीक है, और अब तो वहाँ पर अमेंडमेंट भी आ गई है फाइनेंस एक्ट 2019 में, अब आप दो घर भी खरीद सकते हैं. सर अगर सेक्शन 54 ऑफ कैपिटल गेन में रेजिडेंशियल हाउस एम्प्लॉयज के लिए ले तो क्या एग्जम्पशन मिल सकती है? रोहन का क्वेश्चन ये है कि सर अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस कंपनी ने एम्प्लॉयर के लिए लिया और कंपनी इन्होंने मेंशन नहीं करा, बट स्टिल आई एम टेकिंग फॉर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लिया, तो क्या एग्जम्पशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती? रोहन, द आंसर इज नो, नहीं मिल सकती. इसके मैं दो तीन रीज़न बता सकता हूँ. फर्स्ट रीज़न तो ये है कि ये सेक्शन 54 इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF. तो इंडिविजुअल और HUF के लिए है, पार्टनरशिप फर्म या कंपनीज वगैरह के लिए नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ले. दूसरा इसका और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि सेक्शन 54 ये कहता है कि आप अगर घर बेच रहा है और उसके ऊपर कैपिटल गेन आ रहा है, उस घर की इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. तो अगर ये बिजनेस का घर है तो उसकी इनकम तो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती नहीं, तो अगेन द आंसर इज नो. अगर एम्प्लॉयज के लिए घर खरीदा है तो हम इसकी एग्जम्पशन 54 में नहीं ले सकते. ओके,
लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, दिस इज फ्रॉम मुकुंद, इट्स अ जनरल क्वेश्चन आई सपोज। मुकुंद ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कैपिटल गेन के लेक्चर्स जो आपने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, ठीक है, वैसे ही आप हर चैप्टर को फॉलो करते हैं क्या? थैंक्स। ओके, यस मुकुंद, वैसे ही मैं फॉलो करता हूँ। वो जो कैपिटल गेन के लेक्चर्स थे वो मेरे पेन ड्राइव का ही एक एक्सट्रैक्ट था जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है। बट यस, कैपिटल गेन को बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है, 31 लेक्चर्स ऑलमोस्ट बने हैं उसके, क्योंकि मैंने उसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी पढ़ा दी थी, ठीक है, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन वगैरह भी। तो यस, उसी फॉर्मेट में आपके बाकी लेक्चर्स भी पेन ड्राइव में मिलते हैं। हाँ, कैपिटल गेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर देयर, 31 उसमें लेक्चर्स थे। जनरली इस पीजीबीपी में आई सपोज मेरे 27 लेक्चर्स हैं, हाउस प्रॉपर्टी में 9 है, आईएफओएस में 5 है, बट हाँ यस, फॉर्मेट बिल्कुल वही रहता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस संडे, हम नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ अपनी इनकम टैक्स की किसी भी हेड की, इनफैक्ट डिडक्शंस टीडीएस वगैरह की अगर आप पोस्ट करना चाहें क्वेश्चंस, तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, यूट्यूब कमेंट्स में, या जहां पर भी आप करना चाहें, जिससे कि मुझे मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।